नमस्कार, मैं तनुष्का और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। बीते कल यानी 9 नवंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जेपीएससी और जेएसएससी के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से मुफ्त करने पर जल्द फैसला लेने की बात कही है। यानी आने वाले समय में झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के फॉर्म भरने पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए आवेदन बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाएगा। दरअसल 2018 में झारखंड के तत्कालीन सरकार ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के अंतराल एसटीएससी छात्र छात्राओं पर मुकदमा कर दिया था, जिसे बीते कल हेमंत सोरेन की सरकार ने वापस ले लिया है। जिसके बाद राज्य के आदिवासी छात्र संघ और आदिवासी मूलवासी संगठन सीएम हाउस पहुंचे और उन्हें अपनी खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार बनने के पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं का आवेदन शुल्क काफी ज्यादा हुआ करता था। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 से पहले झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन के लिए एसटीएससी के लिए कुल 150 रुपए, जनरल और ओबीसी तथा अन्य राज्य के निवासियों के लिए कुल 600 रुपए फीस हुआ करती थी, जिसे अब हेमंत सोरेन की सरकार ने घटाने का निर्णय लिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को पूरी तरह से माफ करने पर सरकार जल्द ही फैसला करेगी। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दें। आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ तक कि विदेश में भी पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी, युवाओं को बड़े पैमाने में रोजगार देने की राह में सरकार लगातार काम कर रही है। कई विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो कई पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। आप इस सरकार पर विश्वास रखें, नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। अब छात्र सभी सुविधाओं के साथ छात्रावासों में रहेंगे। कल्याण विभाग के छात्रावासों को ठीक कराने का काम तेजी से चल रहा है। अब छात्र छात्राओं को घर से अनाज लाने की जरूरत नहीं। सभी छात्रावासों में सरकार अनाज देगी, साथ ही रसोइये और सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे। सीएम ने कहा कि जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े बंद हैं, जो कि वर्षों से मामूली मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में इनको जमानत मिले और सरकार द्वारा इसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम बताते हैं कि 40 वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद हमें अपना झारखंड राज्य मिला। इस क्रम में हजारों लोग शहीद हुए, फिर भी अलग राज्य बनने के 20 वर्ष के बाद भी आदिवासी और मूलवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला। स्वाभिमानी झारखंडियों को हमेशा दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।